हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ महाभारत के दो मेन टॉपिक्स। एक है द डाइसिंग और सेकंड है सीक्वल टू डाइसिंग। सो पहले हम डाइसिंग गेम को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी पहले ओवरव्यू बता देती हूँ डाइसिंग गेम से पहले की कि क्यों डाइसिंग गेम हुआ। डाइसिंग का मतलब है जुआ, गैम्बलिंग, जुआ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कौरवों ने पांडवों को रहने के लिए खांडवप्रस्थ नाम का एक खाली जंगल एरिया दिया था कि तुम वहां पे रहो। तो पांडवों ने क्या किया, मायासुर के हेल्प से उन्होंने वहां पे एक मायावी महल बनवाया, तो एक जादुई टाइप का महल बनवाया। और युधिष्ठिर ने क्या किया, खांडवप्रस्थ का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ रख दिया। और क्योंकि युधिष्ठिर बड़ा भाई था तो वो इंद्रप्रस्थ का राजा बन गया। जब इन्होंने अपना महल बनवाया तो उन्होंने उस महल में हवन पूजा रखवाई और युधिष्ठिर ने आसपास के राज्यों में जितने भी मंत्री राजा थे उनको निमंत्रण भेजा अपने महल में आने के लिए, इंद्रप्रस्थ आने के लिए। और साथ ही साथ पांडवों ने कौरवों को भी निमंत्रण भेजा। तो जब दुर्योधन वहां पे आया उस हवन में, उसको ये पहली बात तो उसको बहुत जेलसी हुई। वो बहुत मतलब जेलस हो गया कि इनको तो एक खाली जगह दी गई थी, इतने कम समय में इन्होंने इतना सुंदर महल कैसे बनवा लिया। पर दुर्योधन को ये नहीं मालूम था कि ये जो महल है वो मायावी है, वो जादुई महल है। तो क्या हुआ, दुर्योधन जब उस महल से निकलने लगा तो नीचे कांच का एक फ्लोर बना हुआ था। उसने जैसे ही उसमें पैर रखा, वो कांच का जो फ्लोर था वो एक पानी के पूल में बदल गया और दुर्योधन उस पानी में जा गिरा। तो वहां पे जितने भी लोग थे सब हंसने लग गए दुर्योधन पे, यहां तक कि द्रौपदी और भीम ये सब भी दुर्योधन पे हंसने लग गए। दुर्योधन को बिल्कुल ये चीजें सहन नहीं हुई और वो गुस्से में हस्तिनापुर अपने जगह पे वापस आ गया। और वो बहुत ही गुस्से में था, एक तो वो जेलस था कि इतना सुंदर महल, इतना बड़ा महल, और दूसरा इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की गई। एक तो उसको वहां इन्विटेशन देके बुलाया भी गया प्लस उसकी बेइज्जती भी की गई, तो उसको ये सब बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। अब दुर्योधन के को जो सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो थे दुर्योधन के मामा शकुनी। शकुनी से बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था कि उनका सबसे प्यारा वांजा दुर्योधन इतने गुस्से में है और उसकी ऐसी बेइज्जती हुई। तो वो दुर्योधन के पास जाके उन्होंने दुर्योधन को एडवाइस दिया कि क्यों ना हम एक जुए का गेम रखवाए, एक डाइसिंग गेम रखवाए, इसी बहाने हम उनसे बदला भी ले लेंगे पांडवों से जो बेइज्जती उन्होंने तुम्हारे साथ करी, अब हम उनको यहाँ पे बुला के उनकी बेइज्जती करेंगे। तो दुर्योधन तो अपने मामा की बातों में आ गया। दुर्योधन ने सबसे पहले अपने पिता धृतराष्ट्र से बात करा कि वो एक डाइसिंग गेम, जुए का गेम रखवाना चाहता है। तो उसके पिताजी ने पहले तो मना कर दिया, पर उसने किसी तरह अपने पिताजी धृतराष्ट्र को मना लिया। फिर उसने विदुर को बोला कि तुम जाओ और पांडवों को इनवाइट करो कि ऐसे हस्तिनापुर में एक मतलब हम डाइसिंग का गेम रखवा रहे, एक जुए का गेम, क्योंकि शकुनी को पता था कि युधिष्ठिर पहले से ही डाइसिंग गेम खेलता है और वो इस गेम को मना नहीं कर सकता। तो विदुर जाके इंद्रप्रस्थ में जाके पांडवों को इनविटेशन देता है डाइसिंग गेम के लिए और युधिष्ठिर डाइसिंग गेम के लिए हाँ कर देता है। और जब ये लोग हस्तिनापुर आते हैं तो दुर्योधन और युधिष्ठिर आमने सामने बैठे हुए होते हैं। तो दुर्योधन तब बोल देता है कि उसके जगह उसके मामा शकुनी डाइसिंग गेम खेलेंगे। तो यहां मैं आपको एक बात बता दू, जो शकुनी के पास जो डाइस थे, जो चौपाट थे उसके हाथों में दोनों डाइस, उसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं जो शकुनी के हाथों में डाइस थे वो डाइस शकुनी के पिताजी के अस्थियों से बने थे, उनके हड्डियों से बने थे। शकुनी के पिताजी मरने से पहले शकुनी को उन्होंने बोला था कि जब वो मर जाए तो उनके हड्डियों से वो एक चौपार बना ले, डाइस बना ले, और वो डाइस हमेशा उसके फेवर में ही रिजल्ट देंगे, हमेशा उसकी बात मानेंगे, वो कभी टूटेंगे नहीं। अगर किसी ने गुस्से में उसको तोड़ा भी तो वो अपने आप ही जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए शकुनी बहुत कॉन्फिडेंट था अपने आप में कि ये जो गेम है वो ही जीतने वाला है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो कौरवों के फेवर में आएगा और पांडव एक एक करके अपना सब कुछ हार जाएंगे। तो पहले तो युधिष्ठिर क्या करता है, वो अपने जितना भी उसका वेल्थ होता है वो लगा देता है। तो युधिष्ठिर अपनी सारी वेल्थ हार जाता है। फिर वो क्या करता है, वो इंद्रप्रस्थ को तक मतलब दाव पे लगा देता है, वो इंद्रप्रस्थ को भी जुए में हार जाता है।
फिर वो दूसरे में क्या करता है, ज्वेलरी लगाता है, जितने भी मतलब गहने होते हैं सब कुछ जिनके भी होते हैं वो भी हार जाता है। अब इतना कुछ हारने के बाद भी वो ये गेम इसलिए कंटिन्यू करता है क्योंकि शकुनी को उकसाना बहुत अच्छे से आता था। वो जितनी वो जब बार बार उसने देखा कि मैं हार रहा हूं तो वो एक बार को रुक जाता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूं, युधिष्ठिर रुक जाता है, पर शकुनी उसको प्रोवोक करता है, उसको मॉक करता है कि अरे तुम क्यों नहीं लगा रहे, लगाओ तो, इतना डर है क्या हारने का। वो बहुत अच्छे से उकसाना जानता था, तो इसीलिए युधिष्ठिर इस गेम को कंटिन्यू करता गया। फिर उसके भाइयों के, युधिष्ठिर के भाइयों के मतलब नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, उनके जितने भी बिलोंगिंग्स थे वो उनको भी दांव पे लगा देता है और युधिष्ठिर इनको भी हार जाता है। उसके बाद शकुनी क्या करता है, वो उसको और प्रवोक करता है कि तुम अपने भाइयों को लगाओ दांव पे, तो वो नकुल को लगाता है। अब उसने, शकुनी ने पहले ही बोला था कि जब तुम भाई हार जाओगे तो तुम हमारे दास बन जाओगे, तो युधिष्ठिर क्या करता है, नकुल को लगा देता है, नकुल को भी वो हार जाता है, सहदेव को लगाता है, सहदेव को भी हार जाता है। उसके बाद वो रुक जाता है, बट शकुनी तब उसको बोलता है कि क्या तुम अपने असली भाइयों को नहीं लगाओगे, तुमने नकुल और सहदेव को तो लगा दिया दांव पे क्योंकि वो तुम्हारे सौतेले भाई है, अर्जुन और भीम तो तुम्हारे अपने भाई है ना, इसीलिए तुम शायद तुम उनको नहीं लगाना चाह रहे, यही है तुम्हारे भाइयों का प्यार। वो ये सब बोल के उसको उकसाता है क्योंकि अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर तो कुंती के बेटे थे और नकुल, सहदेव माद्री के बेटे थे, पर माद्री के जाने के बाद कुंती ने इन पांचों को अपना बेटा बना के ही बड़ा किया था। तो इतना उकसाने के बाद युधिष्ठिर क्या करता है, वो अर्जुन को भी दांव पे लगा देता है, अर्जुन को भी हार जाता है, भीम को भी लगाता है, भीम को भी हार जाता है। उसके बाद वो अपने आप को भी दांव पे लगाता है, युधिष्ठिर अपने आप को भी हार जाता है। एंड में दुर्योधन क्या करता है, उकसाने के लिए वो बोलता है, दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई, कि मैं अपने बीवी को भी दांव पे लगा रहा हूं। तब सब उसको मतलब जो अर्जुन भीम है वो बहुत शौक हो जाते हैं कि ये तो और उकसा रहे, तो युधिष्ठिर को मना करते कि नहीं, पर युधिष्ठिर उनकी बात नहीं मानता। वो क्या करता है, खुद हारने के बावजूद वो अपनी बीवी द्रौपदी को भी दांव पे लगाता है और इससे क्या होता है कि वो द्रौपदी को भी हार जाता है। जैसे ही द्रौपदी को वो हारता है, महल में चारों ओर बातें बनने लग जाती है आपस में कि इसने अपनी बीवी को कैसे दांव पे लगा दिया। जैसे ही द्रौपदी हारती है और महल में बहुत बेइज्जती हो चुकी होती है पांडवों की, मतलब दुर्योधन इतना खुश हो रहा होता है ना अंदर ही अंदर कि उसके साथ जो बेइज्जती होती है उसने उसकी डबल बेइज्जती करवाई है इनकी, कि इनसे इनका सब कुछ छीन लिया। उसके बाद दुर्योधन अपने भाई दुशासन को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाके द्रौपदी को उसके महल से खींच कर लेके आओ, अगर वो ना आना चाहे तो उसके उसको बालों बालों से पकड़ के लेके आना क्योंकि अब वो हमारी दासी है और दासी का अपना कोई फ्रीडम नहीं होता, वो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग है। दुशासन जाता है और वो जाके द्रौपदी को बुलाने जाता है, द्रौपदी आने से मना करती है तो दुशासन उसको उसके बालों से खींच कर लेके आता है। उसके बाद द्रौपदी नीचे आके, जैसे नीचे आते दुर्योधन द्रौपदी को बोलता है कि आओ द्रौपदी आके मेरे जांघों पे बैठ जाओ, जांघे इन द सेंस थाई। वो अपने थाईस पे बार बार मारता है हाथ और वो द्रौपदी को बुलाता है अपने पास कि तुम मेरी दासी हो, आके मेरे थाईस पे बैठ जाओ। तब द्रौपदी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करती है, वो क्वेश्चन करती है कि जब, क्योंकि उनके टाइम पे दासों का कोई अपना फ्रीडम नहीं होता, तो द्रौपदी उस समय एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये करती है कि जब मेरे खुद के पांचों पति तुम्हारे सामने हार गए थे खुद को, जब तुम्हारे दास बन गए, तो दासों का कोई हक ही नहीं बनता राजा के सामने अपनी बीवी को दांव पे लगाने का, मैं तो एक फ्री वुमेन हूं, मैं कैसे हार सकती हूँ, मैं कैसे दासी बन सकती हूँ, तुम मेरे पति तो ऑलरेडी हार चुके थे कि एक दास एक राजा के सामने कैसे अपनी बीवी को, जब वो ऑलरेडी खुद को भी युधिष्ठिर हार चुका था तो उसके बाद भी उसने द्रौपदी को कैसे दांव पे लगाया। इसके बिहाफ में क्या होता है कि कौरवों का एक भाई आता है, विकर्ण उसका नाम था, वो समझाता है, वो मतलब थोड़ा द्रौपदी के बिहाफ में बात करता है कि ये सही नहीं था कि उसने द्रौपदी को दांव पे लगाया, और असेंबली में अटेंडेड कुछ लोग भी इस चीज को अग्री करते हैं, बट जो कर्ण था, कर्ण विकर्ण को चुप करवा देता है कि तुम इन सब में मत पड़ो, तुम बहुत छोटे हो अभी इन सब चीजों में बात करने के लिए। फिर दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है, दुर्योधन कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता,
अभी इसी वक्त इसी महल में द्रौपदी का वस्त्र हरण होगा। और जो दुर्योधन होता है, जब वो देखता है कि द्रौपदी उसको मना कर देती है उसके जांघों पे बैठने से, दुर्योधन दुशासन को ऑर्डर देता है कि तुम अभी इसी वक्त सबके सामने इसका वस्त्र हरण करो। जैसे ही उसके बाद द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, ये तो सबको पता ही होगा कि कैसे दुशासन उसका वस्त्र हरण करने लगता है, और वहीं पे शिव और द्रौपदी हाथ जोड़ के अपनी आंखें बंद करके सिर्फ श्री कृष्ण को याद कर रही होती है, और श्री कृष्ण वहां पे अपने उंगली में, द्रौपदी ने जो उनके उंगली में जो पट्टी करा था वो अपने पट्टी का कपड़ा खोल रहे होते हैं, और डिवाइन ग्रेस से द्रौपदी का कपड़ा खत्म ही नहीं होता। दुशासन उसके कपड़े खींचता खींचता थक जाता है, पर द्रौपदी के शरीर से एक कपड़ा उसका गायब नहीं होता। तो दुशासन जब थक जाता है, ऐसे ही द्रौपदी का वस्त्र हरण भी हो जाता है। ये सब देखने के बाद पांडव खुद को बहुत मतलब वीक महसूस कर रहे थे, बट एंड में भीम ने बहुत ही गुस्से में ये बोला था, और भीम ने ये कसम खाई थी कि याद रखना, एक ना एक दिन मैं आऊंगा और दुशासन का छाती चीर के उसका खून पीऊंगा। और जिस जांग पे दुर्योधन ने बोला था ना द्रौपदी को कि आओ मेरे जांग में बैठो, भीम ने कसम खाई कि उस जांग को भीम खुद तोड़ेगा, दुर्योधन शासन को भी मारेगा, उसका छाती चीर के उसका खून पिएगा। अब क्या होता है कि इसमें वो बोलते हैं कि चलो इतना सब कुछ जब हार ही गए, अब तुम्हारे पास जब कुछ बचा ही नहीं, दुर्योधन चाहता था कि एक और डाइसिंग का गेम हो, एक और जुए का गेम हो। वो बोलता है कि चलो तुम लोगों को हम दास नहीं बनाते, पर तुम एक और गेम हमारे साथ खेलो। द्रौपदी की बातों से ही मान के कि वो उसका कोई हक नहीं बनता था कि वो मुझे दाव पे लगाए, क्योंकि वो खुद ही एक दास है। तो इसके लिए दुर्योधन बोलता है ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, एक और गेम खेलते हैं डाइसिंग का। तो युधिष्ठिर पांडव नहीं चाहते थे कि कोई और गेम हो, इससे ज्यादा बेइज्जती वो अपनी सहन नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। पर क्योंकि हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र का ऑर्डर आया कि तुमको ये खेलना पड़ेगा, तो उनको उनका ये ऑर्डर मानना पड़ा। और उसमें ये शर्त रखी गई कि अब अगर इस गेम में एक ही बार चाल चली जाएगी, अगर इस गेम में पांडव हारते हैं तो उनको 12 सालों के लिए वनवास में जाना पड़ेगा, और 1 साल उनको एग्जाइल में जीना पड़ेगा। एग्जाइल में मतलब वो जो 1 साल होगा, जो 13वां साल होगा उनका, उनको किसी और रूप में रहना पड़ेगा। अगर किसी भी कौरव ने उनको पहचान लिया तो फिर उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का एग्जाइल में रहना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, फिर धृतराष्ट्र मान जाता है, वो फिर बैठता है डाइसिंग के गेम में और वो फिर हार जाता है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं द्रौपदी अपने ही पतियों को बचा लेती है उनका दास होने से, क्योंकि उनके लिए वनवास में जाना ज्यादा कंफर्टेबल है, उनका दास बनने रहने से अच्छा है। इतने में क्या होता है, जो विदुर होता है, विदुर तो इनकी जो माता है, पांडवों की जो माता है कुंती, उनको इसी महल हस्तिनापुर के महल में रहने दिया जाए, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और वो उनके साथ नहीं रह पाएंगी, तो इस चीज के लिए हाँ भर दी जाती है। और द्रौपदी और पांचों के पांचों पांडव वहां से चले जाते हैं वनवास पे। और यहाँ पे जो हमारा डाइसिंग का गेम था, जुए का जो गेम था, वो खत्म हो जाता है। एंड में वो लोग वनवास में चले जाते हैं। अब हम आ जाते हैं सीक्वल टू डाइसिंग पे। सीक्वल का मतलब होता है किसी इवेंट का रिजल्ट। तो सीक्वल में इतनी सी बात है कि जब ये लोग वनवास में चले गए, तब विदुर ने धृतराष्ट्र को उसे ही वार्निंग दे दिया था कि आगे का जो फ्यूचर उनको दिख रहा है कौरवों का, वो बहुत ही अंधेरे में दिख रहा है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और उस टाइम गांधारी को भी याद आ रहा था कि जब दुर्योधन पैदा होने वाला था उस टाइम का हाल कैसा हो गया था, कि चारों तरफ अंधेरा छा गया था, सूखा पड़ गया था। तो उस टाइम मतलब तब गांधारी को भी ये महसूस हुआ कि आने वाले टाइम में कुछ गलत होने वाला है। और एंड में तो हमें पता ही है महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें कौरवों की कैसे हार हुई थी। भीम ने जो कसम खाई थी उस सभा में खड़े होके, डाइसिंग गेम के सभा में खड़े होके, कि वो दुशासन का छाती चीर के उसका खून पिएगा, महाभारत के युद्ध में उसने वो किया। उसने दुर्योधन की जांग भी तोड़ी, जिस जांग पे उसने द्रौपदी को बिठाने की बात कही थी, भीम ने दुर्योधन को भी मारा वो जांग तोड़ के। तो ऐसे ही हमारा सीक्वल टू डाइसिंग यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए हो। थैंक यू सो मच।